ग्रुप माइंड थ्योरी, ये क्वेश्चन आपसे दिसंबर 2015, 2018 में भी पूछा गया हुआ है। तो ग्रुप माइंड थ्योरी आइए पढ़ते हैं क्या होती है। तो जब हम बात करते हैं ग्रुप माइंड थ्योरी की, जैसे कि हमने इसको पहले ही बताया था कि ग्रुप माइंड थ्योरी में क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल जो क्राउड के अंदर होता है वो अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर देता है और एक क्राउड का पार्ट बन जाता है। दिस इज द कोर पार्ट। अब देखते हैं कैसे वो लूज करता है और क्या क्या इसके अंदर होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफिन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इंडिविजुअल इन द क्राउड लूजेस हिज इंडिविजुअलिटी। वो क्या कर देता है कि अपनी इंडिविजुअलिटी भूल जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि इंडिविजुअलिटी क्या होती है। अब देखिए एज ए पर्सन, एज एन इंडिविजुअलिटी क्या कहलाती है कि आपको हमेशा धैर्य से काम रहना है, बी पेशेंस रहना है, काम रहना है और क्या करना है कि अगर कोई भी चीज हो रही है या फिर कोई भी गलत चीज हो रही है तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है और अपने कॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग उस पर रिएक्ट करना है, राइट। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब भी कोई क्राउड या फिर इंडिविजुअल एक क्राउड का पार्ट होता है तो अपनी क्या भूल जाता है, अपनी इंडिविजुअलिटी पहली बात तो भूल जाता है एंड बिकम ए पार्ट ऑफ द क्राउड, और क्राउड का क्या बन जाता है, एक पार्ट बन जाता है, विच कम्स टू डेवलप इट्स ऑन क्राउड कॉन्शियसनेस। और जैसे ही वो एक क्राउड का पार्ट बन जाता है तो वो क्या हो जाता है, क्राउड की जो कॉन्शियसनेस है उसके अंदर क्या हो जाता है, उसका वो पार्ट बन गया है। अब क्राउड कॉन्शियसनेस क्या होती है, क्राउड कॉन्शियसनेस मीन्स कि जिस तरीके से क्राउड बिहेव करेगी, जिस तरीके से क्राउड रिएक्ट करेगी, उसी तरीके से आपका रिएक्शन होने लग जाएगा। आपकी जो पर्सनल कॉन्शियसनेस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, पर्सनल जो अवेयरनेस है वो भी बिल्कुल क्या हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और जिस तरीके से क्राउड रिएक्ट करेगी उसी तरीके से आप क्या करने लग जाते हो, आप उसी तरीके से रिएक्ट करने लग जाते हो, दैट इज योर क्राउड कॉन्शियसनेस। ओके, द मेंटेलिटी ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर बिकम डी इंडिविजुअलाइज। जो उसकी मेंटेलिटी रहती है कि क्या क्या मेरे को अपने कह सकते हैं कि मेंटल एबिलिटी से काम लेना है और इसके अंदर द्वारा आपका कॉन्शियसनेस रहता है कि मैं जो मेरी कॉन्शियसनेस है उसको मैं यूज करूं, राइट। लेकिन वहां पर क्या बताया गया है कि जो मेंटेलिटी ऑफ द इंडिविजुअल है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल डी इंडिविजुअलाइज हो जाती है, यानी कि बिल्कुल खत्म हो जाती है एंड द पर्सन बिगेन्स टू एक्ट ऑन एन इमोशनल लेवल। और जो इंडिविजुअल है वो किस पे एक्ट करने लग जाता है, एज ए इमोशनल लेवल पे एक्ट करने लग जाता है, विच इज कॉमन टू ऑल पार्टिसिपेट। और क्या रहता है, ये कॉमन है सारे पार्टिसिपेंट के लिए। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज करा गया है आपका इमोशनल लेवल। अब देखिए इमोशनल लेवल क्या होता है कि कभी भी हम जब बात करते हैं इमोशनल लेवल पर तो हम क्या कहते हैं कि कभी भी जो आप निर्णय ले रहे हैं वो कभी भी इमोशनल होके ना लीजिए। इमोशंस, हैप्पी, सैड, एंगर, ये सारे क्या होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं। तो कभी भी जब हम ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं उस टाइम पर कोई भी आप जो निर्णय लेते हैं, आप जो फैसले करते हैं वो सारे 90-95% क्या होते हैं, गलत होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी इमोशनल होकर, भावुक होकर कोई भी निर्णय या फिर कोई भी काम ना करें, राइट। तो यहां पर क्या बताया गया है कि जब एक इंडिविजुअल क्राउड का पार्ट बन जाता है तो जो उसकी पर्सनल कॉन्शियसनेस है वो खत्म हो जाती है, जो उसकी मेंटेलिटी है वो डी इंडिविजुअलाइज हो जाती है, यानी कि बिल्कुल वो भी खत्म हो जाती है। वो क्राउड की तरह एक्ट करता है। और क्राउड कैसे एक्ट करती है, क्राउड एक्ट करती है आपके इमोशनल लेवल पर। इमोशनल यानी कि जिस तरीके से क्राउड इमोशनल बहुत जल्दी हो जाती है, कई बार आप देखोगे क्राउड एंगर बहुत जल्दी हो गई है, क्राउड एक्साइटेड बहुत जल्दी हो गई है, तो उसी तरीके से इंडिविजुअल भी क्राउड का पार्ट बनके उसी की तरह क्या करने लग जाता है, रिएक्ट करने लग जाता है। अब यहाँ पर हमने एक रे डायग्राम बना रखा है, ये वो भी देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर ग्रुप माइंड थ्योरी का एक रे डायग्राम बना रखा है कि ग्रुप माइंड थ्योरी क्या होती है। ग्रुप माइंड थ्योरी किसके लिए होती है, लोगों के लिए होती है, पीपल के लिए होती है, एक्ट इन ए हिप्नोटिक वे। हिप्नोटिक मतलब कि किसी ने उसको ऊपर हिप्नोसिस कर रखा है, यानी कि उसे पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, किसके अंदर कर रहा है। जैसे ही क्राउड एक्ट करने लग जाएगी वैसे ही वो एक्ट करेगा, सही गलत उसको क्या है, अब बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है। ओके, इजिली एक्साइटेड, या फिर हम कह सकते हैं ये क्या हो गया, इमोशनल लेवल हो गया, राइट, कि पीपल बहुत जल्दी इजिली एक्साइटेड हो जाते हैं। ओके, ग्रुप माइंड थ्योरी इंडिविजुअल लूजेस हिज आइडेंटिटी। और क्या रहता है, ग्रुप माइंड थ्योरी में जो एक इंडिविजुअल है अपनी आइडेंटिटी को क्या कर जाता है, भूल जाता है। बिगिन टू एक्ट ऑन ए इमोशनल लेवल, जब वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर जाएगा कि मेरे को कैसे
रिएक्ट करना है, मेरे को कैसे एक्ट करना है, क्या क्या मेरे को एक्शन लेने, क्या मेरे बिहेवियर होना चाहिए, जब वो इन सारी चीजों को भूल जाएगा तो किस लेवल पे काम करेगा, इमोशनल लेवल पे। और जैसे ही इमोशनल लेवल पे काम करने लग जाएगा, वो ग्रुप का क्या हो जाएगा, एक पार्ट बन चुका है, क्योंकि वो राइट नाउ। और क्या क्या हो सकता है, ग्रुप माइंड थ्योरी वर्किंग इज बेस्ड अपॉन, ग्रुप माइंड थ्योरी किसके वर्किंग जो होती है वो किसके ऊपर बेस रहती है, ग्रुप के इमोशंस के ऊपर, ग्रुप में जो स्लोगन्स आ रहे हैं। अब आप देखोगे किसी भी आप रैली में जाओगे, क्राउड बिहेवियर में जाओगे, तो जो स्लोगन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एकदम क्या लिखे रहते हैं, एकदम आपको मोटिवेट करने वाले लिखे रहते हैं राइट। तो उससे क्या हो कि आप एकदम मोटिवेटेड रहे, आक्रोश में रहे, या फिर एकदम क्या रहे, एकदम आप कह सकते हैं कि एकदम मोटिवेटेड का अबव लेवल, प्री मोटिवेटेड भी आप कह सकते हैं कि एकदम कि कुछ भी रह जाए, इमोशन लेवल पे हाई टेंट रहते हैं ठीक है। सजेशन में रहता है काफी ज्यादा, जो वर्किंग इज बेस्ड अपॉन द सजेशन, कि भाई किसी भी क्राउड ने, किसी भी इंडिविजुअल को या फिर लीडर ने ये सजेस्ट करा तो क्राउड उसकी बात मानने लग जाती है। अपील्स पर, कि भाई मैं अपील करता हूँ या फिर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस तरीके का काम करिए, तो क्राउड क्या है, विदाउट थिंकिंग वो ये काम करने लग जाती है राइट। ग्रुप माइंड थ्योरी एक्शन आर मोर रैशनल राइट और लेस रैशनल, मोर इरेशनल आना चाहिए गाइज यहाँ पर, मोर इरेशनल राइट, मोर इरेशनल आना चाहिए, या फिर अगर आप लिख रहे हैं यहाँ पर मोर रैशनल तो यहाँ पर आना चाहिए लेस इमोशनल, यहाँ आना चाहिए क्या, लेस इमोशनल राइट। जो एक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वो लेस इमोशनल होते हैं और मोर रैशनल होते हैं राइट। ये तो हमें पता ही है कि जो भी हम ले रहे हैं, काम कर रहे होते हैं, वो क्या रहते हैं, वो आपका बिल्कुल क्या रहते हैं, इरेशनल बिहेवियर रहता है, या फिर आप कह सकते हो कि लेस इरेशनल रहता है, और इमोशंस ज्यादा रहते हैं किसी भी क्राउड बिहेवियर के अंदर राइट। द वर्किंग इज बेस्ड ऑन द इमोशंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ग्रुप माइंड की थ्योरी क्या कहती है, कि किसी भी इंडिविजुअल की जो वर्किंग रहती है एज ए ग्रुप में, वो क्या होती है, बेस्ड अपॉन इमोशंस में रहती है, स्लोगन्स के थ्रू रहती है, अपील्स या फिर सजेशन के थ्रू रहती है। इट्स एक्शन आर लेस रेशनल एंड मोर इमोशनल, और जो उसके एक्शन है काफी ज्यादा रैशनल कम रहते हैं, रैशनल मतलब कि एक सही वे में सोच पाना राइट, लेस रैशनल रह पाते हैं, और मोर इमोशनल यानी कि बहुत ज्यादा इमोशनल वो में रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्राउड क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, कि अभी आपने ये कहा कि वहां पर ये चीज हुई और बताओ हम ये कैसे सह सकते हैं, सडनली जो क्राउड होगी, हाँ हम ये नहीं सह सकते, एंड दे बिकम अग्रेसिव, दैट इज मोर इमोशनल। इट बिकम इजिली एक्साइटेड एंड एक्ट इन ए हिप्नोटिक वे, और बहुत जल्दी वो एक्साइटेड हो जाती है और एक हिप्नोटिक वे में काम करती है राइट। तो ये था आपका ग्रुप माइंड थ्योरी, आई होप आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना वरना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी, दिस इज कैफिन शॉर्ट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।